इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान में शहर शहर कुदरत का कहर बरपा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आसमानी बिजली मौत बनकर बरसी, तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बादल कहर बनकर टूटा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने के कारण भारी तबाही हुई। बादल फटने के बाद तेज बारिश होने लगी, कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश के बाद सड़क किनारे खड़ी हुई कई गाड़ियां बह गई, कई घरों को भी खासा नुकसान पहुंचा, होटल्स को भी नुकसान पहुंचा। हिमाचल के धर्मशाला की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पानी की ये तेज धार किसी नदी या नाले की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये सड़कों की तस्वीर है। सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियां किस तरीके से इस तेज उफनते बाढ़ के पानी में बहती चली जा रही हैं, इंडिया टीवी पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। हिमाचल के धर्मशाला से आई है, पहाड़ी क्षेत्र है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बड़ी संख्या में लोग वैसे भी अनलॉकिंग के बाद हिमाचल का रुख करने लगे थे, लेकिन अब जिस तरीके से बारिश, बाढ़, आसमानी बिजली ने आफत मचाई है, उसकी एक तस्वीर, एक बांध की हम आपके सामने रख रहे हैं। धर्मशाला में शहर में मानो कोई सैलाब आ गया हो, मानो कि कोई बड़ा नाला, कोई बड़ी नदी की जलधारा सड़कों पर ही बह रही हो, लेकिन पानी के रंग को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पानी में बहुत सारा मलबा, बहुत सारी मिट्टी बहती हुई चली जा रही है। और ये सड़क का हाल है, ये तस्वीर सड़क की है, देखिए किस तरीके से ये गाड़ी बहती हुई जा रही है। संवाददाता पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। पुनीत, हिमाचल की क्या स्थिति है? देखिए, लगातार जिस तरह से मौसम सक्रिय हुआ है, उसके बाद मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है हिमाचल में। और ये जो तस्वीरें हैं, ये प्लेस है भागसू है, ये धर्मशाला से 3-4 किलोमीटर ऊपर पड़ता है और काफी भारी संख्या में जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। जिस तरह से मैदानी इलाकों में गर्मी चल रही है, तो वहां पर अच्छी खासी तादाद टूरिस्ट की मौजूद थी, जिस समय वहां पर कल रात से ही लगातार बारिश यहाँ पर हो रही थी और सुबह अचानक वहां पर बादल फटा, जिस तरह से भारी संख्या में जो गाड़ियां थी वो बह गई। फिलहाल अभी किसी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही, हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि जब तक बारिश रुकेगी नहीं और वो वहां पर पहुंचेगी नहीं, क्योंकि ये धर्मशाला से ऊपर है, ऐसे में जब प्रशासन अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे तो आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। फिलहाल वहां पर बादल फटने से ये स्थिति पैदा हुई है, उससे कहीं ना कहीं एक गंभीर चिंता जरूर है, जिस तरह से मैदानी इलाकों से भारी संख्या में लोग जो है वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जी, लेकिन राहत कब तक मिलेगी? कोई जानकारी अभी तक मौसम विभाग से मिल पाई है कि इस तरीके की बाढ़, बारिश और ये आफत कब तक रहेगी? देखिए, एक हफ्ते का ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा चुका है, खासकर हिमाचल के अगर हम बात करें वहां पर, क्योंकि लगातार वहां पर मॉनसून डिले हो रहा था, लेकिन एक हफ्ते तक मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून वहां पर सक्रिय रहेगा। और इसी वजह से ध्यान में रखते हुए पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है कि भारी बारिश वहां पर होने के अनुमान। जी शुक्रिया पुनीत, पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।